साथ हैवी फ्लक्चुएशन समझ में नहीं आ रहा है. व्हाट डज द ग्राफ से? स्टॉक्स आर गोइंग अप, स्टॉक्स आर गोइंग डाउन. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन. आज 5th अगस्त 2019 मंडे है, सुबह के 8:11 हो रहे हैं. हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन है, नया वीक है. लास्ट वीक फ्राइडे को काफी जबरदस्त ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी. ट्रेडिंग के लिहाज से देखे तो जबरदस्त दिन था. काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ पर हमारे प्रीमियम मेंबर्स को हुआ. बैंक निफ्टी के बारे में किन लोगों ने जो स्क्रीनशॉट्स भेजे, काफी जबरदस्त प्रॉफिट हुआ है, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस. अभी इस वीक आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है 7 तारीख को. लास्ट वीक फेड ने 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी, तो अब सबकी निगाहें आरबीआई की तरफ है. तो लास्ट वीक हमने देखा था, फ्राइडे को एक न्यूज आई थी एफपीआई को लेकर. एफपीआई के बारे में सरकार अभी एग्रेसिव मोड पे है, एफपीआई को थोड़ी राहत देने की कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट, लेकिन अभी तक कुछ कंस्ट्रक्टिव आउटपुट बाहर नहीं निकल आया. सिर्फ आया है कि एफपीआई के बारे में सरकार सोच रही है. तो एक लिहाज से अगर ये देखे तो एक फॉर एग्जांपल, अगर हमारे घर में कोई छोटा बच्चा रोता है, किस चीज के बारे में जिद करता है और रोने लगता है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स को अगर तभी इम्पॉसिबल नहीं है वो चीज लाकर देने के लिए, तो वो एक छोटा सा चॉकलेट बच्चे को दे देते हैं और कहते हैं कि अगले 4-5 दिन में हम वो लेके आएंगे तुम्हारे लिए. तो तब तक वो बच्चा अपना रोना बंद कर देता है. तो ठीक कुछ उसी तरह ये सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर है. अभी एफपीआई जो डरे हुए सहमे हुए हैं, वो अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर थोड़ा कम कर रहे, अपना जो इन्वेस्टमेंट है थोड़ा कम कर रहे टैक्स बचाने के लिए. तो थोड़ा सा गवर्नमेंट उनको आश्वासन दे रही है कि हम आपके लिए कुछ करेंगे. तो उसके मद्देनजर जो फ्राइडे को जंप आया था, तो ये क्या कंटिन्यू होगा यहाँ से अगर गवर्नमेंट सही में अगर कुछ लाती है? क्योंकि बिल पास हो गया है, अभी अगर अमेंडमेंट लाते हैं तो क्या फॉर्मेलिटीज होगी, ये सब देखना पड़ेगा. तो उसके मद्देनजर इस न्यूज के ऊपर काफी डिपेंड करता है. और कुछ दिनों से कश्मीर के भी हालात नाजुक बने हुए हैं, तो अगर कुछ इंसिडेंट होता है तो आगे के हालात कैसे बनेंगे इसके ऊपर के ये निर्भर करता है. तो निफ्टी का एनालिसिस करेंगे आज के लिए, इंट्राडे लेवल्स क्या होंगे ये आइडेंटिफाई करेंगे. लेकिन उससे पहले ये अपस्टॉक्स का जो एक इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है उसके बारे में मैं आपको बता दूं. अपस्टॉक्स एक डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है और ट्रेडिंग फैब उसका ऑथोराइज पार्टनर है. अगर आप 15th अगस्त के पहले अपस्टॉक्स में अगर हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं, तो आपको अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं भरना पड़ेगा 15th अगस्त के पहले अगर आप अप्लाई करते हैं. तो आपको अप्लाई करने के लिए सिर्फ हमारे वेबसाइट के ऊपर जाना है और यहाँ पर ये लिंक दिया हुआ है अप्लाई फॉर अपस्टॉक्स, यहाँ पर जस्ट आपको क्लिक करना है. और जैसे ही आप ईमेल एड्रेस आपका यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करते हैं, मोबाइल डालते हैं और साइन अप करते हैं, तो तुरंत आपको डीमैट अकाउंट से कॉल आ जाएगा और आगे की प्रोसेस शुरू हो जाएगी. और एक बेनिफिट है, अगर आप ट्रेडिंग फैब के अंडर ये अकाउंट ओपन करते हैं तो फैब 200 ये आपको प्रोमो कोड यूज करना है, ताकि फर्स्ट टाइम आपको 200 रुपीज का ब्रोकरेज डिस्काउंट मिल सके. ठीक है, तो ये एक और ऑफर है आपके लिए, सिर्फ ट्रेडिंग फैब के क्लाइंट्स के लिए. तो चलते हैं सबसे पहले कल के या फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. ये एक पिक्चर है, यानी 2nd अगस्त आफ्टर मार्केट आवर्स ये पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपको हमारा फ्राइडे का वीडियो देखना है तो उसकी लिंक आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन में मिल जाएगी. फ्राइडे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,004 और ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था 10,923. तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स, ये 10 मिनट का चार्ट है. ओपन होने के बाद हमारा ब्रेकडाउन लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ और तुरंत यहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट 10,882 ये यहाँ पर अचीव हुआ. और यहाँ से ये जो टर्न हुआ है, ये रिवर्स हुआ है इंट्राडे चार्ट में ट्रेंड, उसके बाद इसने ब्रेकआउट लेवल को कुछ समय यहाँ पर पेनेट्रेशन किया और इसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट 11,040 और सेकेंड टारगेट 11,060 ये दोनों भी यहाँ पर अचीव हुए.
तो फ्राइडे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 60,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। क्विकली ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। यूएस मार्केट नैस्डैक फ्राइडे को 107 पॉइंट के गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट भी देखे तो वहां पर भी काफी प्रेशर दिखाई दिया, लाल निशान में बंद हुए। और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो एसजीएक्स निफ्टी 76 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, जापानीज इंडेक्स 496 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, और चाइना मार्केट और हांगकांग मार्केट में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में प्रेशर देखने को मिल रहा है, निगेटिवनेस देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर भी 236 पॉइंट की फ्राइडे को गिरावट दिखा रहा था। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, मंथली चार्ट से शुरू करेंगे। ये निफ्टी इंडेक्स का मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में देखें तो यहाँ पर पास्ट में 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 महीने यहाँ पर 20 EMA के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया था। अभी फिर से ये 20 EMA के पास आ गया है। जैसे ही अपसाइड मूव आता है उसके बाद जब करेक्शन आता है तो फर्स्ट ये सपोर्ट 20 EMA का लेता है। तो अभी 20 EMA अराउंड 10,930 के पास है और इसके ऊपर ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। नीचे RSI और MACD ये जो इंडिकेटर्स है ये देखे तो ये अभी निगेटिव है, MACD ने निगेटिव क्रॉसओवर दे दिया। तो यहाँ पर भी अगर पास्ट में देखे तो MACD ने निगेटिव क्रॉसओवर दे दिया था, लेकिन 20 EMA ये जो सपोर्ट था इसको ब्रेक नहीं कर पाया था 5 महीने पास्ट में, और इसके पहले 2016 में भी इसे ब्रेक नहीं कर पाया था। तो लगभग अभी 4 साल होने को है 20 EMA के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। अगर ये 10,900 के ऊपर ये सस्टेन करता है मंथली चार्ट में तो हमें यहाँ से अपसाइड आने की उम्मीद रह सकती है। फंडामेंटल न्यूज़ की हम बात नहीं कर रहे इस समय, हम सिर्फ टेक्निकल लेवल्स को देख रहे हैं। तो यहाँ से अगर 10,900 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो उम्मीद की जा सकती है यहाँ से फिर से अपसाइड मूव आए, यहाँ पर एक बॉटम बने। अगर ये 20 EMA को अगर ब्रेक करता है तो हमें और भी टूवर्ड्स नीचे की तरफ ये 50 EMA का ये जो ब्लू लाइन है यहाँ तक निफ्टी फिसलते हुए दिखाई दे सकता है। तो ये है मंथली चार्ट का सिनेरियो। डाइवर्जेंस दिखे थे हमें पहले यहाँ पर, ये RSI यहाँ पर लोअर हाइज बना रहा है, और ऊपर प्राइस एक्शन को देखे तो यहाँ पर ये हायर हाइज बना रहा है प्राइस एक्शन। तो ये निगेटिव, ये बियरिश डाइवर्जेंस है RSI के, जो हमें पहले इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर एक फॉल आएगा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं अभी 20 EMA के ऊपर सस्टेन करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हम अपसाइड का तभी यहाँ से उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, ये है मंथली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में हमने यहाँ पर फिबोनाची रेट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था इस बॉटम और इस हाई को पकड़ के। तो यहाँ पर ये जो 50% का ये जो रेट्रेसमेंट का लेवल है ये इसने ब्रेक कर दिया था लास्ट वीक, और ऑलमोस्ट 61.8% का ये जो लेवल है 10,800 के पास ये ऑलमोस्ट पहुंच गया था। तो अभी भी ये 50 और 61.8 के बीच में है, तो चांसेस है कि ये और भी यहाँ तक, ये जो 100 EMA ये अराउंड अभी 10,760 के पास है। तो अगर ये नीचे की तरफ और मूव करता है तो यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट होगा, जैसे कि पास्ट में यहाँ पर इसने 100 EMA के पास वीकली चार्ट में सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ऊपर अगर आता है निफ्टी इंडेक्स तो 11,200 ये जो ब्लू लाइन है ये रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं, और नीचे ये 100 EMA 10,760 के पास है अभी फिलहाल, तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये वीकली और मंथली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं डेली चार्ट में। ये है डेली चार्ट। डेली चार्ट को अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को इसको अगर ध्यान से एनालाइज करें तो लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस है यहाँ पर हम बुल्स की एक्टिविटी काफ़ी हावी हो रही है बेयर्स के ऊपर, ये हम कह सकते हैं। अगर इन 3 दिनों के पहले का ये जो कैंडल्स अगर आप एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बियरिशनेस काफ़ी है, ओपन होने के बाद नीचे आके क्लोज हो रहा है और एक स्ट्रांग बियरिश कैंडलस्टिक यहाँ पर फॉर्म हो रही है। सिर्फ एक बीच में यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई, उसके बाद ये कंटिन्यू 2 दिन यहाँ पर स्ट्रांग बियरिश कैंडलस्टिक दिखाई दिया, और उसके अभी लास्ट 3 दिन यहाँ पर देख सकते हैं आप ओपन होने के बाद ऊपर आके क्लोज हो रहा है, यानी बुल्स बेयर्स के ऊपर हावी हो रहे हैं, फिर से मार्केट में बुल्स आने की कोशिश कर रहे हैं,
उसके नेक्स्ट डे फिर से शुरू में तो गिरावट दिखाई दी, लेकिन बुल्स ने फिर से रिकवर होते हुए नीचे टेल छोड़ दिया और ऊपर आके क्लोज हुआ। अभी लास्ट फ्राइडे भी जहां पर ओपन हुआ था उसके बाद नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन हालांकि ऊपर आकर, ओपन के ऊपर आकर क्लोज हुआ। तो लास्ट तीन दिन यहाँ पर बुल्स की एक्टिविटी बेयर्स के ऊपर हावी होती हुई दिखाई दी है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि लोअर हाईज और लोअर लो का ये जो पैटर्न है प्रीवियस डे के हाई से, हाई और लो से कंपेयर करें तो ये जो हाई और लो है ये काफी नीचे है। तो यहाँ पर लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न कंटिन्यूज है, अप ट्रेंड के लिए हायर हाई हायर लोज का पैटर्न बनना बहुत जरूरी है। RSI अभी ओवरसोल्ड जोन में चला गया, यानी इसका मतलब ये नहीं कि ये यहाँ से तुरंत रिकवर करेगा। ओवरसोल्ड जोन कैन बिकम एक्सट्रीम ओवरसोल्ड, ठीक है। तो ये है अभी फिलहाल डेली वीकली और मंथली चार्ट का सिनेरियो। 60 मिनट के चार्ट में चलते हैं, आज के क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं ये आइडेंटिफाई करते हैं। 60 मिनट के चार्ट में यहाँ पर RSI को देखें तो डबल बॉटम यहाँ पर बना दिया है। प्रीवियस कुछ दिनों पहले भी देखे तो यहाँ पर ये अराउंड 25 लेवल के पास इसने बॉटम बना दिया था और अभी यहाँ पर इसने डबल बॉटम फॉर्मेशन किया है और ऊपर जब ये आता है तो 50 के लेवल के पास, यानी ये जो मिड लाइन है यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। आप देख सकते हैं पास्ट में यहाँ पर ये एक बार, ये दो बार, ये तीन बार, अभी ये चौथी बार है। अगर ये 50 के ऊपर जाता है, 50 के ऊपर RSI अगर सस्टेन करता है तो हमें प्राइस एक्शन में यहाँ पर बुल्स की एक्टिविटी काफी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। फिलहाल मिड लाइन के पास अगर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो मिड लाइन के ऊपर RSI को यहाँ पर अगर जाना होगा अगर तभी हम यहाँ पर बुल्स की स्ट्रांग एक्टिविटी देख सकते हैं। अभी फिलहाल आज के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पर ये जो स्विंग हाई बन रहा है एज पर 60 मिनट के चार्ट में तो ये 20 EMA के ऊपर बन रहा है। तो इसको अगर ये कंफर्टेबली अगर ये ब्रेक करता है, यानी 11,024 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही हम यहाँ पर इंट्राडे के लिए बाय पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा ये जो फर्स्ट टारगेट है, हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो अराउंड 11,056, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा 11,100, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर ये स्विंग लो, यहाँ पर दो स्विंग लो बने हैं पास्ट में, यानी फ्राइडे को और ये थर्सडे का दिन है, तो इस स्विंग लो को अगर ब्रेक करता है यानी 10,928 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो ही हम यहाँ पर इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 10,903, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा 10,870, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये था आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको यह वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।